वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें गांधी जी से प्रेरणा मिली। उनका जन्म 34 में उत्तराखंड के एक गांव में हुआ। राधाबेन ने 16 साल की उम्र से लेकर 7 दशकों तक लक्ष्मी आश्रम कौसानी में काम किया है। उन्होंने बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों व महिलाओं के कल्याण और विकास कार्यों का नेतृत्व किया है। वह हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए अन्य संघर्षों में भी शामिल रही हैं। राधाबेन को 91 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह गांधी शांति प्रतिष्ठान की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बचपन की याद में आपका सबसे पहला अनुभव या कोई स्मृति? मेरे पिताजी तो आर्मी मैन थे, ब्रिटिश आर्मी के, और मुझे माँ पर मेरा ध्यान गया। मेरी माँ एक पहाड़ी किसान महिला थी और उसको गाय भैंस पालने का बहुत शौक था। सबसे जो जिसका मेरे दिल पर असर हुआ, ऐसी बात बताती हूँ। हमारी एक गाय थी जमुना, तो जमुना ने कुछ जहरीली पत्ती खा ली और वो बीमार पड़ गई और अब वो मरने को हो गई। सब कुछ उन्होंने कर लिया था, जो कुछ जड़ी बूटी पत्ती उत्ती पीस पास के जो कुछ खिलाना था जिससे जहर उतर जाए वो सब किया था, लेकिन वो नहीं काम किया था और अब वो मर जाएगी ऐसा तो लगता था। तो गाय की आंखों से आंसू आ रहे थे और मेरी माँ की आंखों से भी वैसे ही आंसू आ रहे थे और वो कहने लगी माँ मुझसे कि देखो इसकी कैसे टांगें छटपटा रही हैं, इसके दर्द को मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे भी दर्द हो रहा है, मेरे भी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे भी तकलीफ हो रही है। और मैं आज तो समझ सकती हूँ, तब तो मैं नहीं समझती थी कि ये नॉन वायलेंस या अहिंसा का सबसे बढ़िया स्वरूप था। हमारी गाय मर गई, ठीक है, वो बात मुझे नहीं कहनी है, पर वो अनुभूति करना, वो महसूस करना, मनुष्य के साथ नहीं, अपने बच्चे के साथ नहीं, अपनी बहन के साथ नहीं, एक पशु के साथ, एक जानवर के साथ। और मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ को वो ऐसा कहना चाहिए कि प्रेम की पराकाष्ठा के कारण वो महसूस होता था। तो आज मैं उसको अहिंसा का शुद्ध स्वरूप मान सकती हूँ, आज जबकि मैं अहिंसा के बारे में कुछ पढ़ भी चुकी हूँ, कुछ मैंने जिंदगी में अहिंसक आंदोलनों में भाग भी लिया है और अहिंसक कार्य भी किया है। तो मैं सोचती हूँ कि पर वो तो बिल्कुल शुद्ध परिपूर्ण स्वरूप था अहिंसा का, तो मुझे उसकी याद आ गई है। फिर बड़े होने पर गांधीयन पथ और अहिंसा के से जुड़ी संस्थाओं से आपका लगाव कैसे हुआ? वो भी एक कहानी है। ऐसा है, हम पहाड़ की कंदराओं में, घाटियों में, पहाड़ियों में रहने वाले लोग और सामान्य तौर पर मिट्टी में काम करते करते अपनी आजीविका कमाने वाले लोग। पढ़ने का शौक मुझे हुआ था, मैंने एक तरह से, मैं तो कहती हूँ कि मैंने सत्याग्रह किया था, मुझे पढ़ाओ, छोटी थी 6-8 साल की, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे और लड़कों को भी नहीं पढ़ाते थे मेरे गांव में। मेरा गांव बहुत सुदूर गांव है, हमारे गांव के लोगों ने अपने जीवन की सीमाएं बांध रखी थी, मडुआ गोड़ना, हल चलाना वगैरह वगैरह, और वैसे कहो तो बहुत सरल और बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत देवर वही सबसे अधिक विकसित लोग थे, मन से, दिल से, चरित्र से, कभी दरवाजों पर ताले नहीं लगते थे। पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो पढ़ना वगैरह कुछ जानती नहीं, इसलिए हर समय शरीर सम, और शरीर सम भी बिल्कुल पशुवत शरीर सम, कि जैसे बैल को बोझ ले जाना है ऐसा काम महिलाएं करती थी। तो और हर समय करती थी, सुबह अंधेरा जाता था तो वो शुरू करती थी और रात 10 बजे 12 बजे तक करती रहती थी। तो मैं सोचती थी इनको आराम होना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ाऊंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पढ़ाने का काम करूंगी, इनको सिखाऊंगी,
ऐसा मेरे मन में आता था, इसलिए मैंने अपने घर में कहा था मैं समाज सेवा करूंगी। तो उन्होंने मुझे वहां पहुंचाया, और कौसानी लक्ष्मी आश्रम में, और सरला बहन से मिले। सरला बहन ने कहा यहाँ तुम बाहर की पढ़ाई नहीं कर सकती, हम तो नई तालीम की पढ़ाई करते हैं, गांधी जी की तालीम, और वो ही होगा यहाँ, दूसरा कुछ नहीं होगा। और मैं वहाँ रही और मैं आज भी वहीं हूँ, ये बड़ी बात है। अब मैं 86 साल की हूँ, 86, तब मैं 16 साल की थी, 16 साल में आई और आज तक मैं वहाँ हूँ। सारी दुनिया देख करके भी मैं वहाँ हूँ, दुनिया देखी मैंने वहीं रहते हुए देखी। तो इस दौर में अहिंसा आपके सामने आए और किस किस्म से आपने उसके बारे में सीखा? देखिए, पहले तो मैंने किताबों से सीखा। सरला बहन ने मुझे किताबें दी और कहा कि इनको पढ़ो, और सब गांधी जी की लिखी हुई या गांधी जी के बारे में या गांधी जी के जो कार्य थे उन कार्यों के बारे में ऐसी पुस्तकें पढ़ी। पर मैं सोचती हूँ कि मैंने किताबों से पढ़ के बहुत नहीं सीखा। ठीक है, वो किताबों का जो पढ़ा हुआ था वो फिर मुझे कभी कभी याद आता था जब मैं एक्शन करती थी, जब मैं कुछ काम करती थी, और तब वो मुझको एक तरह से गाइड करता था ना, मार्गदर्शन देता था, ये तो होता था। लेकिन उसी समय मेरे मन में कुछ कल्पना आ जाए पढ़ते पढ़ते, ये नहीं हुआ। सरला बहन जी ने कहा तुम तीसरी कक्षा को पढ़ाओगी, तो मैंने पढ़ाया तो था नहीं कॉलेज में भी, 11वीं में थी मैं, वहाँ से मैं वहाँ आ गई थी, और वहाँ आकर के पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था। अरे मेरी बच्चियों ने मुझे बहुत पढ़ाया, वो बच्चियाँ जो बैठी थी उन्होंने कहा दीदी सुनिए आज हमारा प्रश्न का दिन है, आज हम प्रश्न पूछेंगे आप जवाब देंगी। मैंने कहा हाँ पूछो फिर प्रश्न, प्रश्न का दिन भी होता है, ये भी मुझे समझ में आया। और उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे, वो मर के आदमी कहाँ को जाता है, वो भगवान कहाँ है, क्या होता है भगवान। 16 साल की मैं क्या बताती उनको, तो मुझे उनके सामने ये कहना होता था जो प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया कि अच्छा मैं इसको खोज के लाऊंगी, तुमको कल को बताऊंगी। तो ये अहिंसा की भूमिका है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि हम ये अहंकार न करें कि हमको सब आता है, हमको जो नहीं आता है हम बिल्कुल सत्य बोल दें कि ये मुझको नहीं आता है, मैं खोज के लाऊंगी और बताऊंगी। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे इस तरह से समझ में आता था कि कैसे अहिंसा जीवन में आनी चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से आनी चाहिए। मैं वैसे तो बीच में मैं एक साल के लिए बाहर चली गई थी, डेनमार्क गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, और स्वीडन में जब गई तो वहाँ एक ग्रुप मिला मुझे महिलाओं का, उन्होंने कहा कि हम वियतनाम के बारे में कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम बहुत सक्रिय हैं इस काम में और हम एक करेंगे, आप आएंगी। तब मुझे लगा कि कहाँ वियतनाम है और कहाँ स्वीडन है, और इन लोगों के जीवन में कोई कमी नहीं है, या वियतनाम में युद्ध होगा कि नहीं होगा कुछ बहुत बड़ा फर्क इनको नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये कौन सी संवेदना है, ये कौन सा, ये क्या है, ये कौन सा, क्या कहना चाहिए, मूल्य है या गुण है मनुष्य का कि मनुष्य इस सब को करना चाहता है या इसके लिए तत्पर होता है करने को। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अहिंसा तभी सार्थक भी है अगर वो एक्टिव है। अगर एक्टिव नहीं है तो शब्दों में, ज्ञान में, और क्या कहना चाहिए, फिलोसोफी में, तो वो रहेगी रहेगी, उससे तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन पर संवेदना कितनी तीव्र होनी चाहिए कि कहाँ वियतनाम है और कहाँ स्वीडन है, और यहाँ भी उसकी तत्परता है कि नहीं हम कुछ करेंगे,
उस प्रदर्शन में हो सकता है कि पुलिस पकड़ के ले जाए, हो सकता है कुछ और चीज हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है, अपनी कोई चिंता नहीं करनी है, अपनी प्रतिष्ठा की भी चिंता नहीं करनी है, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करनी है। तो मैं मानती हूँ कि अहिंसा का ये गुण है, इसको मान, इसको समझ के चलना चाहिए। आप आंदोलन के बारे में कुछ बताने वाली थी। हाँ, आप कैसे कुछ आंदोलनों में सक्रिय हुए? जी मैं नहीं हुई, मेरा पूरा लक्ष्मी आश्रम हुआ, हम सब थे वहाँ। और हमारे हमारा एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलती थी गांव में, और डिस्पेंसरी में एक ऐसी महिला को लाए जो पेड़ पर से गिर गई थी, और उसके सिर पर और कंधों में और इन जगहों में, ऐसी जगहों में काफ़ी चोटें थी। तो मुझे उसका ड्रेसिंग करना था, मैंने उसका ड्रेसिंग किया, दवाएं लगाई, पट्टियां बांधी। और जब मैं ये कर रही थी तो मेरा चेहरा उसके मुंह के नज़दीक गया, और मुझे ऐसा लगा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तो मेरे लिए ये तो आश्चर्य की बात थी। और दूसरे दिन मैं उसके गाँव गई और जाकर के पता लगाया, तो फिर वहाँ की गांव की बूढ़ी महिलाओं से इनसे बातचीत की, कहा कि ऐसा है क्या, महिलाएं पीती हैं शराब? उसने कहा, अरे क्या इनको अकल नहीं है, ये बहुएं हैं ना, ये सुबह सुबह ठंड में जंगल में जाती हैं, पांव अकड़ते हैं, हाथ अकड़ते हैं, और पाला पड़ा रहता है, उसमें चलना होता है, तब लोग चप्पल भी नहीं पहनती थी महिलाएं कम से कम। ये यहाँ पर एक दुकान है ना सरकारी शराब की, तो वहां पर जाकर के तो घर से धान ले जाती हैं, उसको धान दे देती हैं, और वो थोड़ा सा उनके मुंह ऐसे रख करके पिला देता है, और ये सोचते हैं उससे गर्मी आती है, हाथ पांव ठीक हो जाते हैं, ठिठुरन नहीं होती है। तो ये चली गई, और उसको तो पता नहीं था कि ये खाली हाथ ही गर्म नहीं करता है, ये मेरे स्नायुओं को भी ढीला करेगा, ये पता नहीं था, इसलिए गिरी वो। तो मैं समझ गई, मैंने कहा अच्छा, तो जो कारण है वो ये दुकान है, जो पैसा नहीं केवल धान लेकर के लोगों को एक थोड़ी सी बूंद शराब की पिला रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया। अब मैं एक बात कहती हूँ कि अगर हिंसक आंदोलन होता तो लोगों की हिम्मत उतनी नहीं होती जितनी मैंने उसमें देखी। हम एक लगभग डेढ़ महीना हमको हो गया, एक महीना हो गया होगा कुछ ऐसा, हम आंदोलन कर रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रोज एक पत्र जाता था और एक पत्र मुख्यमंत्री को जाता था कि हमको ये दुकान नहीं चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी कोई नहीं आया, और कोई देखने भी नहीं आया, कोई 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 संदेश भी नहीं आया। तो फिर गांव की महिलाओं ने कहा, मार्च का महीना अंतिम होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होगा, और फिर तो ये नीलामी करेंगे नई दुकान की, तो हमारे आंदोलन का क्या होगा, और डीएम कुछ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा, गांव की महिलाएं पढ़ी ना लिखी, और उम्र में भी थोड़ा बड़ी थी वो, उन्होंने मुझे कहा आप हमको ले जाओ। मैं ले गई उनको डीएम के पास, मुझे डर था कि शायद वो कुर्सी में भी बैठने की उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन वो कुर्सी में बैठी और धड़ाधड़ डीएम से बोलने लगी, कहने लगी उस दुकान को बंद करो, आप में से पढ़े लिखे लोग अगर डीएम के पास जाएंगे तो सीधे ये नहीं कहेंगे कि उस दुकान को बंद करो, कहेंगे सर आप कैसे हैं, ठीक हैं, कैसा है, कुछ तो ऐसी भूमिका बनाएंगे। उन्होंने कोई भूमिका नहीं बनाई, वो नौजवान डीएम थे कश्मीर के, मिस्टर धर, तो बच्चा जैसा अपना समझ के करे, तुम आए नहीं अभी तक वहां, तुमको आना था वहां। तो उसने कहा आप कह रही हैं इसलिए क्या बंद कर दूं उस दुकान को, आप मेरी बॉस हैं। तो कहा अरे नहीं बंद करोगे तो हम उसमें आग लगा देंगे। फिर उन्होंने कहा आप आग लगाओगे तो मालूम है ये एक अपराध है और मैं आपको जेल में डाल दूंगा। अरे तुमने हमारा गांव भी जेल बना रखा है, तुम्हारी जेल में हम जाएंगे क्यों नहीं, हमको जेल में जाने में कुछ दिक्कत नहीं, पर तुम एक हथकड़ी लेके मत आना, हम वहाँ 1,500-2,000 महिलाएं हैं, 2,000 हथकड़ियाँ लाना, हम सब आएंगे तुम्हारी जेल में। जब इतना
मैं कहती हूँ ये ताकत कहाँ से आती है? क्या ये बंदूक की ताकत थी? ये है अहिंसा की ताकत। और अगर सचमुच में अहिंसा की ताकत दिखती है तो इन इन जैसे लोगों में मिलती है जो बिल्कुल शुद्ध हैं, जिनके दिमाग में कोई राजनीति नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे बात करती है। डीएम आए गांव में और महिलाओं ने पहले ही लगभग 3-4 हजार लोगों की भीड़ जमा कर रखी थी, पुरुष को भी, पुरुषों को भी बुलाया था, महिलाओं को भी, और हमारे यहाँ बाजे बजाने वाले लोग होते हैं उनको भी बुलाया था, तुम बाजे बजाओगे, जोश आएगा। तो डीएम ने देखा, उसने कहा मैंने गांधी जी का आंदोलन नहीं देखा, मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन इसको देख रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ ऐसा ही होता होगा। जब सामान्य जनता हाथों में कोई ना लाठी ना हथियार ना कुछ लेके और सब खड़े हैं और सब गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ऐसा ही होता होगा। और वो दुकान को बंद करके गया, उस माहौल ने उसको समझाया डीएम को, किसी लॉजिक ने, किसी कानून ने, किसी ने नहीं समझाया, उस माहौल ने, जो वाइब्रेशंस थे उसने समझाया। तो मैं इसमें अहिंसा को देखती हूँ। असली बात मैं सोचती हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जिसको हिंदी में शब्द नहीं समझ में आ रहा है मुझे, वो जो जग जाता है अंदर से, वो एक अहिंसा की ही ताकत होती है, तभी जगता है। तो गौरा देवी, रैणी गांव है चमोली जिले में, वहाँ की रहने वाली, वहाँ के लोगों ने चाहा था कि उनको रिजर्व फॉरेस्ट में से कुछ अच्छे मजबूत वाले ओक के पेड़ मिले, ओक माने बांज कहते हैं हमारे यहाँ, बांज के पेड़ मिले, ताकि 2-3 चाहते थे, ज़्यादा नहीं, जिससे कि सारा गांव अपने अपने हल बना सके। उनके हल पुराने हो गए थे, टूट रहे थे, तो उन्होंने कहा सबके लिए हो जाएगा, चलो ये हम मांगते हैं, पर उनको नहीं मिला, फॉरेस्ट विभाग ने नहीं दिया। फिर उसके बाद उसी मुद्दे पर लोग बात करने लगे आपस में, देखो हमारा हल जरूरी चीज़ खाने के लिए, जीवित रहने के लिए, और हमको तो मिला नहीं। और इतने में ही वहाँ इलाहाबाद की एक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी ने ऐश ट्रीज, जो होते हैं ना ऐश के पेड़, की मांग की, शायद 20-25 पेड़, और वो इनके गांव के ठीक ऊपर थे। तो वो डीएम ने वन विभाग को कहा कि नहीं दे दो इनको, और वो दे दिया। तब ये और नाराज हो गए गांव वाले, उन्होंने कहा देखो ये तो मिल जाता इनको, और हमको 3-3 पेड़ नहीं मिला हल के लिए। तो वो फिर कहा कि हम इनको ये पेड़ भी नहीं काटने देंगे। लेकिन देखिए, हम कहते हैं कि सरकार हमारी है, हम कहते हैं प्रतिनिधि हमारे हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारा फैसला हमारे लिए करेंगे, हमारे हित में करेंगे, लेकिन होता कुछ और है। तो डीएम ने जिस दिन वो पेड़ काटने जाने वाले थे कंपनी के लोग, उनके मजदूर लोग, उस दिन सारे गांव वालों को कहा कि यहाँ आ जाओ हमारे ऑफिस में, हम बात करेंगे, आपके हल की बात भी करेंगे, सब करेंगे, और सारे गांव वाले आ जाएं। तो सारे गांव वाले अपना रोटी दिन भर की लेकर के कंधे में एक कपड़े में बांध के चल दिए वहाँ। और तब से, उससे पहले तो मजदूर जंगल में पहुँच रहे हैं। तो गौरा देवी ने देखा, अरे वो कौन जा रहे हैं? उन्होंने कहा ये अच्छा, वो तो आ रहे कुल्हाड़े लेके जाने वाले, वो पेड़ काटने वाले आ गए। हम तो मीटिंग में नहीं थी, हमको नहीं बुलाया था, लेकिन हमने सुना है हमारे लोगों ने कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, उनको तो आज वहाँ जाना पड़ा, नहीं हम जाएंगे। और गौरा देवी, आपने उसका उनका फोटो देखा है ना, सिर पर एक छोटा सा कपड़ा ऐसे रखती है, और अच्छी मजबूत हैं, बढ़िया। तो वो तो पहाड़ पर चढ़ गई, और इतनी तेजी से ऊपर चढ़ी कि वो आए उससे पहले ये पहुंचे, और महिलाओं को कह दिया आ जाओ मेरे साथ।
और सारे गांव की महिलाएं गौरा देवी के साथ पहुंच गई वहां। और जब तक वो काटने वाले आए तब तक ये तो एक एक पेड़ पर खड़ी हो गई कि नहीं काटोगे, काटना है तो हमारे शरीर पहले काट लो फिर तुम पेड़ काटोगे। ये भी ये किसी का बताया हुआ सत्याग्रह नहीं है, कहाँ से आया, अपने आप अंदर से आ गया सत्याग्रह। वो सत्याग्रह तो है और बिल्कुल अहिंसक सत्याग्रह है, कहीं पर हिंसा नहीं है। वो लोग गाली देते रहे इनको, महिलाओं को, तुम ऐसी हो वैश्याएं जैसी, ये कहाँ यहाँ जंगल में आ गई, क्या ऐसा वैसा, बहुत गलत गलत शब्द बोलते रहे। इन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, बस हम पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। और वो रात के अंधेरे होने तक वहाँ रही। जब वो लोग चले गए वापस, तब वो अपने गांव में घर में आई। तो मैं कहती हूँ ये शुरू में ही चिपको जो है वो बहुत ही अहिंसा का प्रतीक है। और फिर हम जहाँ जहाँ गांव में हमको पता चलता था कि यहाँ इस जगह पर पेड़ कटने का ठेका दिया गया है, तो हम वहाँ गांव के लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे और उनको कहते थे कि पेड़ कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। कहते नहीं कटना चाहिए, पानी सूख रहा है, ये नदी, ये हमारा छोटा सा नदी नहीं, वो छोटी होती है, नाला जैसा कहना चाहिए, वो भी पानी कम हो गया, ये कट जाएगा तो सारा साइंस तो उनको आता है गांव के लोगों को, तो इसलिए ऐसा वो कहते थे। फिर चलो तो चिपको करेंगे पेड़ों के साथ। और किसी आंदोलन के अनुभव बताइए जिनमें आप शामिल रहे हैं। टिहरी बांध का आंदोलन, जी, उस बांध के विरोध में हमने किया। और हमारा कहना चाहिए कि बहुगुणा जी की तपस्या, उन्होंने कितना उपवास लिए, कितने दिनों के, दिनों नहीं महीनों के, और हम लोगों ने गांव गांव रात रात दिन दिन काम किया, और सब करने के बावजूद भी सत्ता और संपत्ति ये दो जब जुड़ करके एक काम करने को तय करते हैं तब जनता या लोग या मनुष्य उसके सामने ठीकरे के बराबर नहीं है। हमारे आंदोलन ने न तो टिहरी बांध को एक इंच नीचे किया और न उसको बंद करने की तो बात ही नहीं। तो इसलिए लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे लोगों में ये बात तो जरूर आई कि ये हमारी नदियाँ हैं, ये हमारा पानी है, ये हमारे जंगल है, हमको इसके लिए आवाज़ तो उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ तो पूरे उत्तराखंड को मिली, पूरे उत्तराखंड को, और नहीं केवल उत्तराखंड को बल्कि कर्नाटक में भी चिपको को एपिको कह करके उन्होंने भी आंदोलन चलाए। हमने उत्तराखंड की नदियों को बचाने के लिए किया। अभी भी 50% जो जल स्रोत हैं उत्तराखंड के वो सूख गए हैं। वैज्ञानिक शोध से, हमारे एक बहुत अच्छे भूगर्भ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर के एस वल्दिया, उनकी जो शोध है उसके अनुसार वो कहते हैं कि 50% जल स्रोत पानी के प्रवाह सूख चुके हैं। तो उसके लिए हमने उत्तराखंड नदी बचाओ अभियान चलाया और वो अभी भी चलता है। अब हम जल स्रोतों को बचाने का रचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर रहे हैं। और पहले हमने उसका थोड़ा आंदोलनात्मक काम भी किया था, तो हम उसको अभी भी चला रहे हैं। वो आखिरी मेरे अनुभव की वो आखिरी आंदोलन है एक तरह से। जी कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि अहिंसा के रास्ते से ये आंदोलन ज्यादा नहीं हासिल कर पाए, तो उस पे आप कुछ अपनी राय रखिए कि इस ये क्या ये अहिंसा की असफलता है कि पर्यावरण, हिमालय का पर्यावरण जो है वो नष्ट होता ही चला जा रहा है। एक तो मेरा सबसे पहले सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं अहिंसा के मेथड से करने के कारण सफलता नहीं मिली। मैं कहती हूँ हिंसा के कारण कितनों को सफलता मिली है पहले उसको भी जांच लो। दूसरी बात, सफलता जो हमने एक लक्ष्य रखा था, टारगेट रखा था, वो नहीं मिलना इतना ही में तो असफलता नहीं है। अगर आपके मेथड की
ताकत को और आपके मेथड को लोगों ने ज्यादा समझा और ज्यादा लोग उसको करने के लिए तैयार हुए, तो मैं मानती हूँ कि ये भी एक सफलता है और वो हुआ है, हर आंदोलन से हुआ है, लोग जागृत हुए हैं। जैसे चिपको आंदोलन नहीं होता तो ये सरकारें जंगल और पेड़ के बारे में कभी नहीं जागृत होती। कॉन्शियस तो होना, मतलब उसका पॉलिसी पे असर पड़ा है, पॉलिसी पर असर पड़ा है, लोगों के दिमाग पर असर पड़ा है। आज तो एक छोटा बच्चा भी कहता है कि पेड़ नहीं काटना है, पेड़ हमको ये चीजें देता है, पेड़ से हमको ये लाभ होते हैं। ये सब एक चीज आप शुरू करते हैं वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो भी उसकी सफलता है। मैं मानती हूँ कि वो सफलता है, तो ऐसी सफलता को देखने की नजर चाहिए, नजर होगी तो दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरा विश्वास तो दिन प्रतिदिन उस पर ज्यादा ही हुआ है। मैं व्यक्तिगत संबंधों में भी देखती हूँ, आप जितना संयम रखते हैं, जितना आप पेशेंस रखते हैं, जितना आप धैर्य रखते हैं, उतना ही आपके संबंध मधुर होते हैं, आपके संबंध अच्छे होते हैं। और जितना आप जल्दी से ऐसे हो जाए, ये करें, ये हिंसा है वो करते हैं, उतना ही संबंध अच्छे नहीं बनते हैं। मैं जब कस्तूरबा ट्रस्ट में सेक्रेटरी थी, तब हमने ये कोशिश की थी कि हम वहाँ पर एक यूनिट शुरू करें शांति सेना की। पर मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि शांति सेना एक बार थोड़ा बहुत अच्छी तरह उभरी थी और सर्वोदय की संस्थाओं में और इसमें बहुत उसका वातावरण बना था, अभी वो नहीं रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, होता तो अच्छा था जी। क्यों ऐसा, ऐसे धीरे धीरे क्यों कम हो गया, इसकी कोई आप? मुझे लगता है जरूरत तो उसकी आज भी बहुत है। आज मैं सोचती हूँ जब मॉब लिंचिंग होती है, शांति सैनिक चाहिए। मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या हो जाती है, किसी को मार डालते हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। शांति सैनिक का तो काम ही यही था कि जहाँ ऐसा हो रहा है बीच में जाओ और जाकर के रोको उसको और कहो, अपनी जान की बाजी खेल करके रोको, कहो मुझे मार दो, मार दो। पर कई कार्यकर्ताओं ने ऐसे किया भी। किया है, बहुत बार किया है। एक हमने एक बार बनारस में किया था ऐसा, वहाँ सरस्वती संघ का वो था हेडक्वार्टर और कुछ हुआ था शहर में, हम लोग चले गए थे वहाँ जाकर के, हमने किया था ये, मैं भी थी साथ में। हाँ, आज की तारीख में अगर कोई मतलब एक साधारण नौजवान अगर ये शांति सेना किस्म का काम या इस किस्म के इस भाव से अपने भीतर और अपने बाहर उसको क्या शक्तियाँ उत्पन्न करनी होंगी या क्या असूल अपनाने पड़ेंगे ताकि वो एक शांति सैनिक हो सके? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर शांति अपने अंदर नहीं है तो बाहर कुछ कर नहीं सकते, बाहर कुछ असर भी नहीं होगा। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर अगर कुछ उस दिशा में आया तो मेरी माँ के आंसुओं से, जो वो गाय के लिए बहा रही थी और महसूस कर रही थी कि उसको जो दर्द हो रहा है मुझे भी हो रहा है, वो चीज़ तो मेरे अंदर पैदा होनी चाहिए ना। अगर वो मेरे अंदर पैदा होगी तो तब मैं शांति के लिए किसी को कुछ कह पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अहिंसा के लिए मैं तभी कह सकती हूँ, अपने अंदर उतनी उस दूरी तक, उतनी गहराई तक मुझे ये होना चाहिए। दूसरी बात मैं सोचती हूँ जो आम सब लोगों को करना चाहिए, हर घर में करना चाहिए, बच्चों को संयम सिखाना चाहिए। आज बच्चे या तो दूसरे पर हिंसा करते हैं या तो खुद अपने पर हिंसा करते हैं, इतनी सी बात होती है बच्चे तो सुसाइड करने जाते हैं, फेल हो गया जीवन लटका देते हैं। तो क्यों? क्योंकि संयम है ही नहीं, मन में आया नहीं कि कर दिया। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि तुमको कुछ मन में आता है तो उसको आधा घंटा 15 मिनट दो उस बात को, तब उसके बाद तुम एक्शन करो। तो वो चीज बच्चों में, परिवारों में, लोगों में नहीं रही है।
हमने पिछले 3-4 साल पहले की बात है शायद, जब कोकराझार में बोडो और मुस्लिम लोगों के दंगे हुए थे, तब हमने वहाँ बहुत काम किया। मेरा शांति सेना का काम वही है, और मेरे साथी थे चंदन पाल और बहुत सारे लोग, हम सब लोगों ने मिलकर के किया। और एक बार हमने सबको आह्वान किया, सारे देश भर से लोग आए थे और हमने वहाँ वातावरण बनाया था। तो नौजवानों को साथ लेकर हम करते थे काम, हम सोचते थे नौजवानों को समझना चाहिए अहिंसा क्या है। तो वो बच्चे कहते थे, सईदुल कहता था या कोई दूसरा बच्चा कहता था, हमने तो ये अहिंसा का नाम नहीं सुना आज तक कभी। हमारे घर में हमने क्या देखा कि हमारे घर में एक कोने में एक गन रखी हुई है। मेरे पिताजी का बाहर झगड़ा हो जाता है किसी के साथ, और पिताजी दौड़ के आते हैं और वो गन पकड़ते हैं और या तो उसको मार देते हैं, या तो वो भाग जाता है गन लेने गया है ऐसा सोच के, या तो उसको गोली चला ही देते हैं, या नहीं भी चलाते तो गन लाते हैं। ये मैं हमने सीखा, यही देखा है हमने बचपन से। उनको ना अहिंसा बचपन से आनी चाहिए। आप शिक्षा में क्यों नहीं बच्चों को ये सिखाते? आप घर में क्यों नहीं सिखाते बच्चे को कि बेटा तुम ये मांग रहे हो खरीदने के लिए, लेकिन ये हम नहीं खरीद सकते। अरे बेटा मांग रहा है, रो रहा है, लाओ कहीं से लाओ, खरीदो, दो उसको। ये चीज हमको हिंसा की ओर ले जाती है, संयम हमको अहिंसा की ओर ले जाता है। तो मैं सोचती हूँ संयम तो निश्चित सिखाना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि संयम तो बुड्ढों का काम है, साधुओं का काम है, सन्यासियों का काम है। मुझे नौजवान लोग ऐसा ही कह देते हैं, तो ये नहीं, बल्कि ये हमारा काम है और हमारी जीवन को ज़्यादा अच्छा बनाने का यही तरीका है। तो मैं ये दो बातें तो कहना चाहती हूँ। आखिर में बस एक आपकी इस क्या भावना है कि अब हम बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत हिंसक समाज हो गए हैं, और इस हिंसा के बीच में से हम कैसे अहिंसा को उत्पन्न करके लाएंगे? तो जिनके मन में ये आज डाउट आ रहा है, जो चाहते हैं अहिंसा, उनको भी अब ये शंका लगने लग गई है कि नहीं, हम तो जैसे एक हिंसा के अंधकार भरे कुएं में पड़ गए हैं, इसमें से नहीं निकल पाएंगे या कैसे निकल पाएंगे? तो उनको आप क्या इंस्पिरेशन देंगे? अब देखिए, एक चीज आपके कहते ही ख्याल में आई, विनोबा जी का नाम तो सुना सबने, सब नौजवानों ने भी सुना है। विनोबा जी कहते थे कि देखो, युगों का चक्र है। सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर उसके बाद कलयुग, और फिर क्या आने वाला है? सतयुग आने वाला है, वो चक्र है। अगर कलयुग बहुत अपने चरम में चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो निश्चित सतयुग आएगा, मैं इस पर विश्वास करती हूँ। इसी तरह से हिंसा के कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति भी समझेगा कि ये स्थिति यहाँ तक पहुँचने में ये कारण थे, मुझे जाना है। एक गांधी ही बताने वाला नहीं है, हर एक के अंदर एक गांधी है, और वो अपने से बताएगा, कहेगा कि नहीं, ये कारण था इसलिए तू हिंसा में पड़ा है। आपने तो सुना है बहुत सारे लोग जो बहुत हिंसक थे, वो किस तरह से पलट गए और किस तरह से अहिंसक बन गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज तो, मनुष्य तो अहिंसक बनने ही वाला है। उसने भले ही आज तो अपनी सारी बुद्धि शक्ति अहिंसक बनने से दूर जाने की कोशिश की, हिंसक बनने में ताकत लगाई, लेकिन वो अहिंसक बनने ही वाला है, बनेगा। थोड़ा कहीं पर किसी एक व्यक्ति की बात से किसी में परिवर्तन आता है, किसी को इसी आपकी यूट्यूब से सुन के कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, होगा, विश्वास है कि होगा।